बेशर्मी कर रहा है। जिन लोगों को कल तक गाली दिया करता था, जिन लोगों को ललकारता था कि आपको भ्रष्टाचार में बंद कर दूंगा, उन लोगों के साथ आज गठबंधन कर रहा है। मैं तो चाहता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि यह महागठबंधन बन जाए, इन सबको इनकी औकात पता चल जाए, क्योंकि मोदी जी की विकासकारी नीतियों के सामने ये विनाशी लोग कभी नहीं टिक पाएंगे। इसको इनकी बात का पता चल जाना चाहिए। लेकिन और भी प्रार्थना करता हूँ विदुरी जी साथ साथ कि इस महागठबंधन का प्रवक्ता केजरीवाल जी को बना दिया जाए। फिर हमारे में से कोई कार्यकर्ता मंच पर बैठकर या टीवी पर बैठकर इसे बताए कि किस प्रकार आपने दिल्ली को धोखा दिया है। किस प्रकार नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला और मैं उमन मौजूद हूँ मैं दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे, और आप देख सकते हैं एक तरफ पुलिस प्रशासन जो एक तरफ लगी हुई है, बैरिकेड है, और यहाँ पे देख लीजिए किस तरह से प्रोटेस्टर को लेके जाया जा रहा है कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। बीजेपी के बड़ी तादाद में, जो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं, वो सड़कों पे उतरे हुए हैं। देख सकते हैं किस तरह से पुलिस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में बैरिकेडिंग को लेकर के बैरिकेड को धकेला जा रहा है, इस तरफ किस तरह से उठा लिया गया, आप देख लीजिए किस तरह से उठाया गया। एक तरफ पुलिस प्रशासन कोशिश कर रही है कि बैरिकेड को नीचे उतारा जाए, और दूसरी तरफ पीछे से आप जो सामने वाली साइड है वो बीजेपी के कार्यकर्ता की है, देख लीजिए किस तरह से बैरिकेडिंग को उठा लिया गया। हालांकि इसका जो वेट होता है वो 500 से 600 किलो का होता है, और इसको कार्यकर्ता ने उठा लिया है। बहुत जोश में है बीजेपी के कार्यकर्ता, और एक तरफ पुलिस प्रशासन जो लगातार कोशिश कर रही है कि इस बैरिकेडिंग को किसी तरह से नीचे रखा जाए। काफ़ी वेट है इसमें, हो सकता है किसी को चोट भी लग सकती है इससे, और शायद पुलिस प्रशासन को इस तरह सामने देखिए, आप सामने देखेंगे आम आदमी पार्टी का कार्यालय है, और एक तरफ बीजेपी के प्रोटेस्टर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ यानी केजरीवाल के खिलाफ। प्रशासन लगातार कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह इस प्रोटेस्टर को रोका जाए ताकि आम आदमी पार्टी के कार्यालय तक नहीं पहुंच सके, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता इनमें जोश बहुत होता है, जुनून बहुत होता है, और बहुत दिल से एक लगन से ये काम करते हैं। इसीलिए कांग्रेस जो इतने सालों से भारत पर राज कर रही थी उसको एक तरफ उखाड़ के फेंक दिया 2014 में। कुछ तो बात है बीजेपी में। लगभग 20 मिनट से इस बैरिकेड को उठा लिया गया हुआ है, देख लीजिए 20 मिनट हो गए लेकिन ये बैरिकेड ऊपर का ऊपर ही टंगा हुआ है। एक तरफ जो पुलिस प्रशासन रोक रही है इसको उठा के फेंकने से बैरिकेड को, जो 500-600 किलो वेट का है, और दूसरी तरफ जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने 20 मिनट से इसको उठा रखा है कि किसी तरह इसको फेंक दिया जाए। और जितने भी प्रोटेस्टर हैं देख लीजिए कितने उत्साह में कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह आम आदमी की पार्टी के कार्यालय के सामने बिल्कुल गेट पे जाकर के प्रोटेस्ट करें, और आम आदमी पार्टी को ये बताएं, जहाँ लगातार यहाँ पर नारेबाजी हो रही है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल है वो चोर है, वो नारा वहाँ पर जाकर के दिया जाए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी के गेट पे जो ऑफिस है उनके गेट पे, उनके ऑफिस के सामने जा करके ये नारा लगाया जाए। आप बैरिकेड को देख सकते हैं किस तरह से उल्टा टांग दिया गया हुआ है, और एक तरफ इस साइड में अगर आप देखें तो प्रशासन लगातार कोशिश कर रही है कि दूसरा बैरिकेडिंग उठा करके ना फेंक दे बीजेपी के कार्यकर्ता। देख लीजिए कितनी बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता आज यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर पहुँचे हुए हैं, और लगभग 30 मिनट से इस बैरिकेड को ऊपर उठाया गया, वो भी उल्टा टांगा गया हुआ है। और इस तरफ देख लीजिए पुलिस प्रशासन कितनी मशक्कत कर रही है कि प्रोटेस्टर को बैरिकेडिंग को इस तरफ ना आने दिया जाए। यहाँ देखिए किस तरह से, देखिए किस तरह से प्रोटेस्टर को पुलिस प्रशासन कोशिश कर रही है कि वापस सामने बैरिकेडिंग के उस तरफ कर दिया जाए, लेकिन प्रोटेस्टर है जो कि लगातार कोशिश करे, एक प्रोटेस्टर और कई पुलिसकर्मी कोशिश कर रही हैं इस प्रोटेस्टर को रोकने की, लेकिन ये प्रोटेस्टर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता इतनी जल्दी हार नहीं मानते, देख लीजिए कितना उत्साह में, और बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ करके नारे लगा रहे हैं। विपक्ष की जो पार्टियां हैं, विपक्ष के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत सारे प्रवक्ता या बहुत सारे विपक्ष के नेता आज भी नाम लेते हैं स्मृति ईरानी जी का, कि उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया था कई साल पहले, आज भी नाम लेते हैं कि स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर के सड़कों पे बैठ गई। तो बीजेपी का जो प्रोटेस्ट करने का तरीका है बहुत अलग है, और इतना अलग है कि कांग्रेस जो काफ़ी सालों से इस देश पे राज कर रही थी वो उसको उखाड़ फेंकने का काम बीजेपी ने किया। इतना अच्छा प्रोटेस्ट किया, लोगों के दिलों में जगह बनाया, और आज भी ये कम नहीं हुआ है
ये दिखा रहे हैं कि हमारे अंदर आज जो 2014 से पहले जब हम विपक्ष में थे तो जिस तरह से हम प्रोटेस्ट किया करते थे, आज भी कई सालों बाद विपक्ष हमारा नाम लेती है, जब हम सत्ता में और बाकी जो विपक्ष है वो आज हमारा नाम लेती है, ये आज भी आपको सुनने को मिल जाएगा। अगर आप टीवी डिबेट देखें तो वहाँ पे विपक्ष के जो प्रवक्ता होते हैं अक्सर स्मृति ईरानी का नाम लेते हैं कि सिलेंडर लेकर के सड़कों पे बैठ जाया करती थी। बात वो नहीं है कि सिलेंडर लेकर के सड़कों पे बैठ जाया करती थी, बात यह है कि प्रोटेस्ट करने का तरीका कैसा था। बीजेपी के प्रोटेस्ट करने के तरीके को आज भी सराहा जाता है, कई सालों बाद भी विपक्ष को आज भी बीजेपी का जो प्रोटेस्ट है याद आता है, स्मृति ईरानी जी का जो प्रोटेस्ट है वो याद आता है। और वही चीज़ आज यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि 40 मिनट हो गए और बैरिकेड ऊपर का ऊपर टंगा हुआ है। इस बैरिकेड का वेट 500 केजी से ऊपर है, फिर भी 40 मिनट से बीजेपी के कार्यकर्ता इसको ऊपर टांग रखा है। आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस प्रशासन लगातार कोशिश कर रही है कि इस बैरिकेड को नीचे कर दिया जाए ताकि किसी प्रोटेस्टर को या पुलिसकर्मी को चोट ना लग जाए। और फाइनली बीजेपी के जो प्रोटेस्टर हैं उन्होंने बात मान ली और बैरिकेड को नीचे गिरा दिया है। जब तक उन्होंने नहीं चाहा, बीजेपी के कार्यकर्ता ने, कि बैरिकेड को नीचे किया जाए, तब तक उन्होंने नहीं किया। लगभग 40 मिनट तक इसको ऊपर हवा में लहराए रखा। जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता है, जितने भी प्रोटेस्टर है, सबको डिटेन किया जाए यहाँ पे, वहाँ पे देखेंगे जो देख रहे हैं वहाँ पे देखेंगे। आप मेरे कैमरे में देख रहे हूँ, जो वाटर कैनन है शायद पानी लाने के लिए परमिशन दिया, बुलाया कि वाटर कैनन लेके आइए। डिटेन की प्रक्रिया जो डिटेन की तैयारी हो बहुत जल्द की जा रही है, क्योंकि परमिशन मिल गई कि गाड़ी जो बस है उसको आगे लाइए और डिटेन किया जाए। जितने भी कार्यकर्ता जितने भी प्रोटेस्टर है उनको डिटेन किया जाए, यहाँ पर आप समझ गए होंगे आपका प्रदर्शन है। शांतिपूर्ण बना रखे और इनको डिटेन करें, इनको डिटेन करें। आप लोग बच्चा हम भी छोटी ऐसे मत करो, क्या तरीके आए आप लोग डिटेन करने का आदेश दे दिया गया, आपने सुन लिया। प्रशासन के द्वारा कोशिश की जा रही बस जो सामने लगी हुई है पीछे लाया जा रहा है ताकि डिटेन किया जाए कार्यकर्ताओं को, जो बीजेपी के कार्यकर्ता उनको, प्रोटेस्टर को डिटेन किया जाए। डिटेंशन की कार्रवाई करो। हाँ नहीं नहीं उठाओ, उधर बस की तरफ मूव कराओ।